नरेंद्र धवन और उसके परिवार को शत शत आशीर्वाद। दिल्ली शहर में इतने लोगों को व्यस्त जीवन में से इकट्ठा कर लेना काबिलियत ही नहीं, उनकी दूरदर्शिता है। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। इन्होंने तो बार बार ये कहा कि काफ़ी दूर से इनका आना हुआ पटना से, बट शायद वो ये नहीं जानते कि जहाँ भी मैं कहीं पर भी एड्रेस करता हूँ तो उस एड्रेस के बाद मेरा अपना भी स्थान हो जाता है। लाजिम है कथनी और करनी में जो सेम रहने वाला व्यक्ति होगा उसके तंदुरुस्त थॉट्स निकलेंगे और लोगों के दिलों में प्रवेश करके दस्तक करेंगे, क्योंकि मेरा ये कार्यक्रम जो भी होता है पैराडाइम शिफ्ट के लिए होता है, यानी जिस चाल पे आप चल रहे हैं और मैं ये चाल आपको दिखा दूं, इस पे चल के देखिएगा उसका आनंद देखिएगा। मुझे वो माइक दे सकते हो केवल नहीं एक कबीर का दुआ है बड़ा प्यारा, जब हम पैदा हुए जब हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए जब हंसे हम रोए। और जो बच्चा नहीं रोता उसको रोलाया जाता है, थ्री इडियट्स में आपने देखा होगा, जब बच्चा नहीं रो रहा था तो कितना दुखी थे, और जब वो बच्चा रोना शुरू करता है तो एवरीबॉडी लाफ्स ओवर दैट इज एन इवेंट। जब हम पैदा हुए जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब। मित्रों ये 30 मिनट मुझे मिले हैं आपके साथ में, शायद कोई बात आपके दिल को छू जाए इस 30 मिनट में, आपको लगे कि इट रिक्वायर्स एन एडुलेशन, इट रिक्वायर्स अ क्लैप, कृपया ताली नहीं बजाएं, बिकॉज इस समय हम लोग थोड़ी इस यात्रा को ट्रांस पे ले जाने के लिए है। लगन टूटेगी, तरंग टूटेगी, और जिस विश्वास के साथ मैं आपके दिलों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि उसके अंदर खलल बढ़ेगी। If in case you feel comfortable and you feel that address has really entered your heart, soul and mind, you can give me a standing ovation in the finishing of the microgram. But in between, कृपया मैं चाहूँगा कि तालियों से हम लोग थोड़ा सा अपने को महरूम रखें। अगर उसको इतनी सेंस होती तो वो छोड़ देता और हाथ निकाल देता, लेकिन वो ट्रैप में फंसा रहता, उसका हाथ बाहर नहीं निकलता और मदारी आके उसको पकड़ लेता है। हम सब के सब लोग आदतों के गुलाम हैं, नहीं चाहते कि हमको कोई बुरी नजर से देखे, चाहते हमेशा रिकॉग्निशन, हम चाहते हम मान्यता मिलती रहे। एवरीबॉडी शुड बी प्लीज्ड एंड डिलाइटेड व्हेन ही सीज अस। हर बंदे को शौक होता है कि मुझे मोहब्बत भरे नजरों से देखा जाए, लेकिन दिन भर की करनी में डीट में हम विष घोलने की कोशिश करते हैं, पता नहीं लगता हमको। We are seldom vigilant about our own self and our working. Rarely. आप खुद सोच के देखिए, ईश्वर ने हमें भेजा इस धरती पे आनंद मचाने के लिए और लोगों को आनंदित करने के लिए। Only duty. सिर्फ एक कार्य दिया है, जाओ बच्चे खुश रहो और मेरे बनाए हुए बशिंदों को खुश रखो। व्यापार में कैसे अपने उत्तीर्ण होना है, ऊंचा उठना है, किस गलत गलत तरीके से सोचना और फिर सोचते कि लोग हमको मान दें। मित्रों कहा जाता है 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। सब लोग बड़े खुश होते हैं जब 99 बेईमान है तो क्या फर्क पड़ता है। किस बंदे ने छाती ठोक के कहा है कि अगर 99 बेईमान है एक बचता तो वो मैं रहूंगा, वाई नॉट मी, I want to be that person। अगर 99 हैं तो हैं, because you cannot change system, you cannot change people, हम अपने को बदल सकते हैं केवल। जितना प्रयास करो, जितनी मर्दानगी दिखा सकते हो दिखाओ अपने में परिवर्तन लाने के लिए। अब कोई बहुत बड़े बड़े डील्स और बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटी बात बता के भी दिल खुश हो जाता है मुझे। One of the person who attended at Habitat Center my program and my workshop, आज से 1.5 साल पहले की बात होगी, उस व्यक्ति ने अटेंड किया था। उसने कहा मुझे 3-4 दिन में पहले मिला कि रमन जी आपका प्रोग्राम अटेंड किया था, बातें सुनी थी, एक आपका विचार मैं बांध के लेके गया था और उस विचार ने मेरे अंदर बहुत ही परिवर्तन और मेरे काम का और कार्यक्रम के अंदर भी बहुत उत्थान दे दिया। पूछा मैंने कहा क्या हुआ है, कहता आपने कहा था कि सुबह उठते ही
The first person coming in your contact, पहला व्यक्ति जो तुम्हारे contact में आता है सुबह सुबह, उसको smile जरूर देना है। कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन it's a very difficult thing. The first person coming in your contact would be your spouse, आपका life partner. और रात का carry over, cold war, क्या क्या उठापटक हुई है नहीं पता, और सुबह उठते ही और स्माइल कर देंगे अपने पार्टनर को, बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट काम है। लेकिन वो बोला, कहते रमन जी आपने कहा था कि 21 दिन में कोई हैबिट बन जाती है, मैंने भी स्माइल किया पत्नी को, देखते उनका जवाब था की कर दो फालतू की गल्ला। कहता मैंने सुन लिया, लेकिन आपने कहा था कि फर्क पड़ता है। दो तीन दिन मैंने ऐसे करना शुरू किया तो हर बार ये जवाब आया, देखते नहीं न्याय देख देते की कर देते हो तुम। ओके, कहते सातवें दिन तो रमन की हद हो गई। मैंने कहा क्या हो गई? कहते सातवें दिन देखा अपनी एक सहेली से बात कर रही थी, मैंने ओवर हियर किया कि आजकल ये स्माइल बहुत मारते, लगता है कहीं चक्कर चल रहा है इनका।